कश्मीर भारत का भाल। एक समय था जब कश्मीर ज्ञान परंपरा और अपनी विशिष्ट मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध था। बीते दशकों में आतंकवाद और धार्मिक उन्माद ने सब कुछ बर्बाद सा कर दिया है। श्रीनगर के मध्य में हरी पर्वत है, यानी हारी पर्वत। यहाँ तात्कालीन राजा का किला भी है। पूरा पर्वत घने वन से आच्छादित, यहाँ मैना पक्षी कभी बहुतायत में मिलती थी। कश्मीरी में इसे हारी कहते हैं। हारी पक्षियों का वास होने के कारण ही इसे हारी अथवा हरी पर्वत कहा जाता है। कश्मीरी हिंदुओं की देवी शारिका माँ का निवास स्थान है ये पर्वत। पूरा पर्वत पवित्र प्राचीन मंदिरों से घिरा था। एक समय ऐसा भी था जब मध्य रात्रि घने अंधेरे में भी महिलाएं अकेले बहुत दूर दूर से यहाँ पूजा तथा परिक्रमा करने के लिए आती थीं। पूरी परिक्रमा में हनुमान मंदिर, महागणपति मंदिर, काली मंदिर, सप्तर्षि मंदिर, लक्ष्मी मंदिर तथा शिव मंदिर पड़ते थे, जो अब हिंदुओं के जैसे लुप्त से हो गए हैं। माँ शारिका की एक अद्भुत महिमा है। इनका गुणगान जो है पुराणों में किया गया है और शारिका महत्व में भी विस्तार से माँ शारिका के प्रादुर्भाव का विस्तार से उल्लेख है। तो इसका जो उल्लेख है वो जुड़ता है कश्मीर के फॉर्मेशन के साथ जुड़ता है इसका उल्लेख। और जैसे उल्लेख है कि जो कश्मीर सती सर था, एक बहुत बड़ी झील थी, ये लेक था, तो इसके बीच में मध्य में एक जलोद्भाव राक्षस का एक निवास था जो आतंक करता था चारों तरफ जो वहाँ निवासी रहते थे। तो उसके अंत के लिए जो है यहाँ के निवासियों ने देवी की जो है देवी के महिमा का गुणगान किया और देवी ने शारिका के रूप में यहाँ पर वो आई, एक मैना के रूप में आई और मैना के रूप में उन्होंने एक छोटा सा कंकट अपनी जो है चोंच में लिया और उसके ऊपर डाला तो उसका अंत हो गया। और उसके बाद जो है ये पर्वत जो हम देखते हैं मध्य में हारी पर्वत जो है ये पवन पावन पर्वत है, वो हमें एक भव्य रूप में मिलता है यहाँ पर। हारी पर्वत का जो उल्लेख है ये राजतरंगिणी में भी इसका उल्लेख है, इसको प्रद्युम्न पीठ भी कहा गया है। हम यहाँ पर हैं, इस स्थान पर है, पवन स्थान पर है। यहाँ पर एक पवित्र शिला है, उस शिला में जो है श्री चक्र है और उसकी आराधना की जाती है, उसकी उपासना की जाती है। ये पवित्र स्थान न केवल हिंदुओं बल्कि सिखों के लिए भी उतना ही पवित्र है। हारी पर्वत को देखते हैं, हारी पर्वत जो है ये खाली कश्मीरी हिंदुओं के लिए ही पवित्र स्थान नहीं है, ये पूरे जो यहाँ पर जो निवासी हैं कश्मीर के, उसमें हिंदू जो है मुस्लिम भी है, सिख भी है। यहाँ पर जो है छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी महाराज जी आए थे यहाँ पर, तो उनके इंतज़ार में जो एक थी बागी बरस थी, वो कई वर्षों से उनका इंतज़ार कर रही थी, वो अंधी थी, आंखों से अंधी थी, तो कब गुरु महाराज आएंगे, कब वो उनका दुशाला देगी। तो उन्होंने जब उनके पाँव छुए, गुरु महाराज के पाँव छुए, तो उनको उनकी आँखों की रोशनी आ गई, उन्होंने उनको जो है वो दुशाला उड़ाया और उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका जो पूरा परिवार था वो गुरु महाराज के वो न्याय की तरफ से बन गए यहाँ पर। वो काठी दरवाज़ा जगा है यहाँ पर, जो बिल्कुल एक यहाँ पर दो तीन दरवाजे हैं, ये जो एक किला बंद ही बन गया था मुगल साम्राज्य में, यहाँ पर इसको किले का स्वरूप दिया गया था। इसके एक प्रमुख दरवाजे हैं, एक संगीन दरवाज़ा है, एक काठी दरवाज़ा है। तो काठी दरवाजे के पास है ये गुरु हरगोबिंद सिंह महाराज का गुरुद्वारा है और इसके साथ साथ एक और है जो बड़ी एक मुकद्दस एक ज़ियारत है, वो है मखदूम साहब की ज़ियारत है, जिसको जो है यहाँ हिंदू मुस्लिम हर कोई यहाँ पर उसके जो है दर पर, उसके द्वार पर अपना मत्था टेकते हैं।